बोरी रे, गजानन बोरी रे। हाँ, आप ये शीरगांव के मूल निवासी हैं। हाँ बराबर। आपको यहाँ किस प्रोजेक्ट से क्या तकलीफ है? सर, DFC से जो प्रोग्राम चल रहा है आज, आप उन जगह में है, वो जगह के एक 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 दो इसमें मेरा ज़मीन है, हम लोगों ने भरनी करने नहीं दिया उधर। इन लोगों को हम लोग जा रहे हैं, हम लोग डहाणू जा रहे हैं, वसई जा रहे हैं, विटी तक गए हैं, उधर से हम लोगों ने सब लेके आया, जो भी है खेती के बारे में जो है लेके आए। तो ये लोग बोलते तुम उधर जाओ, कोई बोलते हैं उधर जाओ तुम्हारा पैसा उधर मिलेगा, रेलवे वाले बोलते तुम्हारा पैसा मिलना चाहिए। तो हम लोग जाए किसके पास जाए? ये भरनी कब शुरू हुआ और भरनी शुरू होने के पहले आपको किस तरह से इसके बारे में बताया गया, आपको कैसे जानकारी हुई? भरने तो अभी दो तीन साल पहले चालू किया है, और हमको बोला गया कि आपका पैसा पूरा मिलेगा, आप जाओ उधर रेलवे वाले के अधिकारी के पास जाओ, इधर पैसा मिलता है उधर जाओ, आपका पैसा मिलेगा पूरा। लेकिन उधर से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। पहली बात तो उन्होंने हमारा जो मतलब पैसा कितना आपको कितना ज़मीन जा रहा है, मतलब भाई मेरा 22 घंटा ज़मीन जा रहा है, तो उसका पैसा कितना बनता है वही मालूम नहीं हमको, उन्होंने उसमें नाम डाला ही नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब कि जो आपके पास TILR का रिपोर्ट है, हाँ, उसके अलायदा कुछ आपके साथ हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ बराबर सर। मतलब जो जमीन आप अपने हक की बता रही, हाँ, उसको कहीं आपका हक का है ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है? हाँ सर, वही बोल रहे हैं, तुम्हारा यही नहीं सरकार का है। मैं बोलता हूँ सरकार का है तो हमारा कुल में नाम कैसा है? और वो बोलता है कुल में नाम है आपकी जो टिपिक है, जो लिखता है 7-12 जो लिखता है गवर्नमेंट का आदमी, उसने गलती से 60-70 साल रख दिया है। आप ऐसा उनका बोलना है? आप मूल गांव के निवासी हैं, गांव के, तो ये बताइए कि कुल कितने लोग इस तरह से इफेक्टेड है? कुल मिला के 3-7 बार है इसमें सर, 3-7 बार। कितने किसानों की ऐसी ज़मीनें हैं जो इस तीन, वही बोल रहा हूँ सर, कुल मिला के 60-70 जो नाम है 7-12 पे, और 3 जन का ऐसा ये जो है ज़मीन है, मतलब 3 कुटुंब है उनके, 60 कुटुंब है उनका, 60 जन का नाम है सर। हाँ, 3 कुटुंब में उनके फिर जो डिवाइड जो भी हुए और लोगों का भी है जगह, मतलब शासन में। आज आपने जो ये एक मोर्चा उठाया, इस मोर्चे की क्या पृष्ठभूमि और ये कहाँ तक जाएगा? सर मैं बोलता हूँ ये मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए सर, इनका जो DFCC का है, जो भी है, मतलब प्राण साहब है, जो भी है साहब, प्राण साहब तो बदलते रहते हैं सर। इसके आगे आपकी क्या, इस क्षेत्र में आप कहाँ तक जाएंगे इसको लेके? यहीं पे रुक जाएगा क्या, आप आंदोलन तीव्र करेंगे? आगे तक जाएंगे सर, हम लोग आगे जाएंगे, काम करने देंगे, काम करने देंगे ही नहीं, जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं। जो बोलो पैसा कितना देना है वो तो बोलो। जमीन लिया है, 22 घंटा लिया है जमीन, वो तुमने बराबर लिखा है 22 घंटा जाता है, लेकिन उसका पैसा कितना बनता है वो नहीं बता रहा है, वो क्यों नहीं बता रहा है? ऐसा भी आप लोग में से भी किसी ने बोला है कि आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करके पुलिस का दबाव भी बनाया गया था? इधर ही हुआ है, पुलिस आए थे, उनका जो उनका कॉन्ट्रैक्टर का सेक्रेटरी है ना, वो बोलता है जा करने का वो करो, पुलिस बुलाएंगे हम। एक बार मैंने उसको दिखाया ना मेरा, वो बोलता है तुम हाथ से लिख के लाया रहे, बोलते ये तेरा बोलते सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर तू हाथ से लिख के आया, तो हम कैसे हाथ से लिख सकते हैं? हमारा किसने हक दिया हमको लिखने का? तो आपने ये मांगने नहीं की कि जब हमने हाथ से लिखा है तो आप इसका भू संपादन में वहां पे TILR करा दीजिए, उसको लाके दिखा, ए भाई ये देखो हमारे नाम से लाया तो ये किसका सही नहीं, ये मेरा तरेड़ी का सही नहीं है, मेरा मामा हमारा कौन है, मेरा सगे वाला है तो हम लोग उधर साइन करेंगे ऐसा। अब आपकी पहली और आखिरी मांग क्या है? पैसा हमारा जो बनता है वो मिलना मांगता है, काम तुम्हारा चालू करो, हमारा पैसा दे दो, काम चालू करो हमारा, ये जो जमीन है ये बहुत साल से हम करते आए, हमारे दादा परदादा सब करते आ रहे हैं, वो हम लोग पहले उसमें भोगवाट अपने पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग हमारे जो भी है पढ़े लिखे नहीं, पेपर है जो भी है पेपर है सब दिखाया, तो भी वो अधिकारी बोलते उधर जाओ, कोई बोलता है इधर जाओ, उधर न्याय मिलेगा, इधर न्याय मिलेगा, उधर न्याय मिलेगा, अरे किधर न्याय मिलेगा हमको? गांव में विकास के और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप समझते हैं कि आप अभी तक ठगे गए हैं? सर ये जो ब्रिज है आज रेलवे का 2 साल से काम चालू है, लोगों को इधर बारिश के टाइम पे इतना पानी भरता है सर, इधर जाने में तैर के जाना पड़ता है, सिर्फ बड़े आदमी तैर के जाएंगे लेकिन छोटे बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? आज उनका काम चालू है, भरने चालू है, डंपर जा रहा है, उस ब्रिज का क्रैक गया है सर, आप देख सकते हो ब्रिज टूटने के आया है, तो भी इनको दादागिरी चालू है, ये लोग ट्रक उस पर ही ला रहे, तो अब आगे का पब्लिक कैसे? लोग ने जमीन को जाली मार दिया है, हमको अगर खेती में जाने होगा तो कैसे जाएंगे हम लोग? पहले हम यही बांध से जाते थे ना, तो उन लोगों ने जाली मार दिया, जाली मार दिया है। ये जगह लेने के बाद वो लोग बोलेंगे कि हमारा जगह है इसमें आओ मत, अरे तुम्हारा जगह है नहीं, इसके पहले हमारा जगह है ना। मैडम
आज आप लोग यहाँ जमा क्यों हुए, क्या मुद्दे हैं और क्या आपके गांव की समस्या है बताइए। देखिए मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ये जो गांव है ये गांव डेवलपमेंट से पीछे नहीं है, कि वो कुछ ऐसा नहीं बोले कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए घरपट्टी देखा जाए तो जो इन लोग जो चार्ज कर रहे घरपट्टी के लिए उसमें ना रास्ता है, ना लाइट है, ना पानी है, यहाँ पे गटर भी नहीं है, ना यहाँ पे जैसे दवाइयाँ यहाँ पे जो औषध फवार में मराठी मध्ये बोलने जाता ये भी नहीं है, प्लस देखा जाए तो यहाँ पे पानी भी नहीं है। महानगर पालिका की हद में है या महानगर पालिका की हद में है, और ऐसा देखा जाए तो फिर देखा जाए तो ग्राम पंचायत बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो अगर यही अगर देखा जाए कि यहाँ पे कर अगर डेवलपमेंट हो रहा है और इन लोग आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कोऑपरेट कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको जो मुबदला मिलना चाहिए क्षेत्र को जो मुबदला मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की, रेलवे कॉरिडोर की, तो इस पर क्या आपको क्यों लगता है कि जो किसान है उनको अपना पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए अगर आप देखा जाए तो जो कैलाश पाटिल जी है जिस तरह से बताया उन्होंने कि फ्रांस से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि अगर क्षेत्र आपको पूरी अपनी जमीन दे रहे तो उसमें एटलीस्ट 50% उनको मिलना चाहिए, वो बदला मिलना चाहिए। वो भी अगर नहीं मिल रहा है तो क्षेत्री करेगा तो क्या करेगा? वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग हमारी जान दे देंगे। अगर वो अगर जान पे आ रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है? आज जिस तरह से आप एकत्र हुए क्या ये आपकी एकता बनी रहेगी? बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, और आगरी सेना लास्ट तक जो क्षेत्री लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या आज मुद्दा है, क्या आज के क्या मुद्दे हैं और इतने लोग जो यहाँ पे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके बैठे हैं, इसमें मुख्य मांगनी क्या है, मुख्य परेशानी क्या है? मेन परेशानी यहाँ जो तीन चार प्रोजेक्ट जो शासन के आ रहे हैं उसमें जो शेतकरी की लैंड जा रही है उसको शेतकरी को लास्ट के शेतकरी तक उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो 100% मिलना चाहिए, ये वो जो मिला नहीं है और इन्होंने काम चालू किया। ऐसा कौन सा लॉ है मुझे बताओ कि शेतकरी का जो जमीन है उसको पैसा नहीं मिला और ये दादागिरी करके काम करेंगे, नहीं हुआ। मामला प्रलंबित होने के बाद भी काम चालू है तो इस पर आपने काम रुकाया है? हमने कंप्लेंट डाली है इसके बारे में, अब हुआ नहीं ना, एक्विशन हुआ नहीं है और काम चालू किया, संपादन नहीं हुआ। इस पर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगरी सेना इसमें क्या भूमिका निभाएगी? और अग्री सेना ने क्लियर कट बोल दिया है डेवलपमेंट होनी चाहिए, शेतकरी का न्याय नहीं दिया तो हम रस्ते पे उतर के काम बंद करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेनी पड़ेगी, क्या करेंगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपसे क्या मांग रही है इस मुद्दे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरे भूमि पुत्र को किधर तो भी न्याय दो। अच्छा जगह के मूल्य को लेकर क्या विवाद है? देखो हाईवे पे लग के 1,80,000 रुपये का रेट दे रहे हैं, जूली आइलैंड में 22,00,000 रुपये का रेट। मतलब आपका ये सीधा सीधा मानना है कि ये किसानों के साथ में शोषण हो रहा है? 100% किसानों का शोषण हो रहा है इसमें, उसके लिए तो आगरी सेना उतरी रस्ते पे। पूरे पंचक्रोशी के लिए लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सब गांव वालों ने मिलके क्यों और हमको बुलाया है कि आप बोलो इसके बारे में। लोग डरते क्योंकि पुलिस लाके जबरदस्ती करते और चुप करते, वो हम करने नहीं देंगे। जैसा कि आपने अभी एक उदाहरण दिया था, क्या किसानों की जमीन पे अगर औद्योगिक काम हो रहा है तो उनको वो तो क्या है वो पॉइंट? देखो ये जमीन एग्रीकल्चर है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जमीन आ रही है, एग्रीकल्चर जमीन लेके कमर्शियल के लिए यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्षेत्री को फंसा रही है। मेरा कहना है एग्रीकल्चर जमीन आप कमर्शियल काम के लिए यूज़ कर रही है तो उसको कमर्शियल का रेट दो, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रेट क्या है वो देखो आप। अच्छा इस कॉरिडोर को प्लांट के अलावा और क्या क्या दूसरी समस्या जिनको लेकर आप आज यहाँ? सर कॉरिडोर की वजह से जो गाड़ियाँ चलती है तो वहाँ से वैतरणा से आप आओ, कनेर फाड़े से वैतरणा स्टेशन का रास्ता देखिए, वो रोड नहीं है, खड्डे है, इधर वही परिस्थिति है। सुबह में जब शेतकरी का लड़का एजुकेशन के लिए चंदन सार आता है तो वहाँ से सफ़ेद शर्ट उसका घर जाते समय काला हो जाता है, इतनी दुर्व्यवस्था इधर की। इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इधर पानी नहीं है, इधर गटर नहीं है, इधर रोड नहीं है महानगर पालिका के एरिया में। महानगर पालिका करे या DFCC करे, रेलवे करे या कलेक्टर करे, हमें नहीं मालूम, हमारे क्षेत्री को समझता नहीं है। डेवलपमेंट होते समय ये पूरे आजू बाजू के रोड बराबर होने चाहिए तो हम काम चालू करने देंगे। आप बार बार कह रहे कि डेवलपमेंट को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं है हमारा, तो फिर ये क्यों? मतलब वो क्षेत्री को मारने का क्या, जो क्षेत्री भूखा है उसको और भूखा करने का, जिसकी जमीन जा रही है पूरा उसका हमारे मराठी मिल दे पोटाचा पोटातली भाकर काढ़ दे दो, जला पोटाचा टुकड़ा दे दो, चलेगा क्या?
पालगढ़ के जो नए कलेक्टर इस विषय को मुंह का निवाला जो आप बोलते हैं मुंह का निवाला दे रहे हैं और वो उसके ऊपर आप हमारे अन्याय करोगे। पालगढ़ के जो नए कलेक्टर भी आए वो इस विषय को लेकर आपके वहाँ से कुछ चर्चा हुई उनसे? मेरी एक घंटे चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुआ था, मैंने पूरा ऑन पेपर उनको बताया, कलेक्टर को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, सबको दिया है। मेरा निवेदन सबके पास चला गया, एक एडिशनल निवेदन आज जाएगा और कहाँ हमको न्याय देंगे। एडिशनल एसपी पवार साहब से मेरी बात होगी, जो इनके उन्होंने वसन के इंचार्ज है उनसे भी बात हुई है। उन्होंने वो एक पॉजिटिव और नेचर का आदमी लगा, पहला मुझे ऐसा लगा कि अच्छी तरह से काम करे, तो इधर आके उन्होंने लोगों का सेटलमेंट करे। हम उनके साथ है, काम होना चाहिए, मगर ये सब जो किसानों पे को न्याय मिलना चाहिए इतना बोल। कॉन्ट्रैक्टर की और प्रशासन की कहीं सांठ गांठ है? 100% कॉन्ट्रैक्टर पुलिस वालों को पैसा देता है, मेरा डायरेक्ट एलिगेशन है, और इधर के गरीब जो मेरे फार्मर है उनको प्रेशर करना चाहता है। जब मैं हाथ जोड़ के उनके पास गया था, उन्होंने हाथ जोड़ के आना चाहिए था, वो आए नहीं, और डायरेक्ट मैंने नाम से एनसी किए। एक आखिरी सवाल की इस विषय में अंत तक की क्या प्रक्रिया रही? अंत तक जो वो महिला बैठी है ना, वो सब वो डिसाइड करेगी, उनके काम जो उनकी मांगे वो पूरी होगी तो इधर काम चालू होगा, नहीं तो काम नहीं चलूगा। बराबर कि नहीं? बस सिंपल है। थैंक यू।